तो दोस्तों आज मैं जो हॉरर मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है द एग्जोसिस्म ऑफ गॉड, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि अगर इविल पावर्स अपने दुनिया से हमारी दुनिया में आने की कोशिश करें और इंसानी सभ्यता को खत्म करके इस धरती पर डेविल का राज हो तो क्या होगा। चलिए आगे इस कहानी में हम जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग खराब वेदर देखते हैं और इस वेदर में एक आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और इस आदमी का नाम डॉक्टर नेल्सन है, जो कि चर्च में फादर पीटर से मिलने के लिए जा रहा था। वो चर्च में जाता है और अपने और फादर पीटर से उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। अब हम लोग डॉक्टर नेल्सन और फादर पीटर को एक साथ में कार में देखते हैं, जहां पर फादर पीटर उसकी मदद के लिए जा रहे थे और डॉक्टर नेल्सन फादर पीटर को एक हाउस में ले जाते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद में हम देखते हैं कि वहां पर एक लेडी बेड से बंधी हुई है। इस लेडी का नाम मगाली होता है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी इविल पावर से पजस्ट हो गई है। फादर पीटर वहाँ की सिचुएशन को समझते हैं और अपने सीनियर जिनका नाम फादर माइकल होता है उनसे एग्जोसिस्म करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन फादर माइकल पीटर को समझाते हैं कि तुम्हारी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है और एग्जोसिस्म परफॉर्म करने के लिए हमें पहले अपने सभी पापों से मुक्त होना होता है और अगर तुमसे एग्जोसिस्म करते समय कोई गलती होती है तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन फादर पीटर ये समझाते हैं कि अगर इस टाइम यहाँ पर एग्जोसिस्म नहीं किया गया तो इस लेडी की जान चली जाएगी, जिसे सुनने के बाद में फादर माइकल पीटर को एग्जोसिस्म करने की परमिशन दे देते हैं। फिर फादर पीटर उस घर के सभी लोगों को रूम से बाहर भेज के खुद एग्जोसिस्म करने जाते हैं, जहाँ पर मगाली फादर पीटर को पहले इमोशनल करती है, क्योंकि उस लेडी के अंदर छुपा हुआ इविल ये जानता था कि मगाली और फादर पीटर एक दूसरे को लाइक करते हैं। लेकिन मगाली के अंदर का इविल फादर पीटर को सेड्यूस करने लगता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो इविल पावर मगाली की बॉडी से फादर पीटर की बॉडी में एंटर कर जाती है और यहाँ पर फादर पीटर मगाली के साथ न चाहते हुए भी इविल पावर से पजेस्ट होने की वजह से इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ पर सारा सीन फादर पीटर के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे कि फादर पीटर ने खुद लगाया था, क्योंकि एग्जोसिस्म करने से पहले सभी प्रीस्टो कैमरा सेट करना होता है उनका प्रूफ के लिए। सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोग 18 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी जेल में कैद किसी को खाना देने के लिए जा रहा था और जब वो खाना देने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ की उंगलियों को किसी ने बहुत बुरी तरीके से खा लिया है और उस आदमी की भयानक चीख के बाद में सीन कट होता है और अगले सीन में हम लोग फादर पीटर को देखते हैं, जो कि एक ऑर्फनेज में रहते हैं और वहाँ के सभी लोग फादर पीटर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक लेडी फादर पीटर के पास हेल्प मांगने के लिए आती है, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत काफी खराब थी और फादर पीटर उसे चेक करने के लिए उस बच्चे पर होली वाटर फेंकते हैं, लेकिन होली वाटर से वो बच्चा परेशान नहीं होता, इसीलिए फादर पीटर उस लेडी को ये बताते हैं कि इस बच्चे की तबीयत खराब है और वो किसी भी इविल पावर से पजेस्ट नहीं है। अब फादर पीटर उस बच्चे को अपने ऑर्फनेज के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर नेल्सन फादर पीटर को बताते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन खत्म हो चुकी है और सभी बच्चों का इलाज करना बहुत जरूरी है और इसलिए फादर पीटर अपने एक फ्रेंड जो कि बिशप थे उनसे मिलने के लिए मेक्सिको सिटी जाते हैं, जहाँ पर बिशप पीटर को मेडिसिन के लिए पैसे दे देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि फादर पीटर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि फादर पीटर बिशप को अपनी वो टेप दिखाने वाले होते हैं, जिसमें वो मगाली के साथ में इंटीमेट हुए थे, लेकिन वो अपने रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते थे, जिसके कारण वो उस टेप को अपने सूटकेस में वापस रख लेते हैं। अब अगले सीन में हम लोग फादर पीटर को अपने ऑर्फनेज में मेडिसिन के साथ में देख पाते हैं, जिसके बाद में लोगों के मन में फादर पीटर के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है और हम लोग रात के समय फादर पीटर को प्रे करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे और तभी उन्हें किसी इविल सोल की आवाजें आ जाती है और वो चेक करने जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि जीसस के रूप में बैठा हुआ एक डेविल फादर पीटर को डरा देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये बस फादर पीटर का एक नाइटमेयर था। फादर पीटर को फिर उसी जेल के गार्ड का कॉल आता है, जिसे हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जब किसी इविल पावर ने वहाँ के एक गार्ड की उंगली खा ली थी। वो गार्ड फादर पीटर को बताता है कि कुछ दिनों से वो इविल आउट ऑफ कंट्रोल है और आपको यहाँ पर उसे शांत करने के लिए आना जरूरी है। अगले सीन में हम लोग फादर पीटर और डॉक्टर नेल्सन को उस जेल में देख पाते हैं, जहाँ पर वो उस डेविल का एग्जोसिस्म करके उसे शांत करने आए थे और वो दोनों उस जेल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी होती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी
बहुत ही खतरनाक इविल पावर से पजेस्ट है। फादर पीटर जेल से बाहर आकर एग्जोसिस्म के लिए सोचने लगते हैं और तभी हम वहाँ पर मगाली को देख पाते हैं जो कि फादर पीटर से ये कहती है कि तुम्हें उस लेडी को बचाना ही होगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो पजेस्ट लेडी और कोई नहीं बल्कि फादर पीटर और मगाली की बेटी थी जिसका जन्म उन दोनों के इंटीमेट होने से हुआ था और इसी के कारण उस इविल ने फादर पीटर और मगाली की बॉडी को छोड़ दिया था और वो उनकी बेटी की बॉडी में चला गया था जो कि अपने नाइटमेयर में उसी डेविल को जीसस के रूप में देखकर डर जाते हैं। और अगली मॉर्निंग फादर पीटर ऑर्फनेज के हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उस बच्चे की डेथ हो गई है जिसे वो हॉस्पिटल में लेकर आए थे और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि किसी इविल पावर ने उसे मारा है और वहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी सारी इविल पावर मौजूद थी। फिर हम लोग फादर पीटर को बिशप के पास में देखते हैं जहाँ पर वो बिशप से एग्जोसिस्म की परमिशन मांगते हैं ताकि वो इतना सारे पजेस्ड लोगों की जान बचा सके और अपनी बेटी को भी उस इविल से फ्री कर सके। बिशप फादर पीटर को एग्जोसिस्म की परमिशन दे देते हैं और यहाँ पर फादर पीटर अपने साथ फादर माइकल को भी एग्जोसिस्म के लिए इनवाइट करना चाहते हैं क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट थे और फादर माइकल भी इस एग्जोसिस्म के लिए मान जाते हैं। हम लोग अब दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पर फादर पीटर माइकल को सारी सिचुएशन समझाते हुए ये कहते हैं कि उस इविल ने मुझे भी पजेस्ट किया था लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया था, जिसके जवाब में माइकल उन्हें समझाता है कि जरूर तुम्हारे अंदर भगवान है। हम लोग फिर फादर पीटर को रात में उस टेप को जलाते हुए देखते हैं जहाँ पर फादर माइकल भी आ जाते हैं और फिर हम लोग ऑर्फनेज के अंदर एक नन को प्रेयर करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर एक डेविल आ जाता है जो कि मदर मेरी के रूप में था और वो डेविल उस नन पर अटैक करने जाती है लेकिन टाइम रहते ही वहाँ पर मगाली आ जाती है जो कि उसे रोकती है और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फादर पीटर और फादर माइकल अंदर जाते हैं जहाँ पर वो एग्जोसिस्म के थ्रू उस पजेस्ड नन पर काबू पाते हैं और वो डेविल उसकी बॉडी को छोड़कर चला जाता है। फिर फादर पीटर बच्चों के पास उन्हें देखने आते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस इविल की पावर का असर उन बच्चों पर भी थोड़ा सा हो गया है। सीन कट होता है और हम लोग फादर पीटर और माइकल को उसी जेल में देखते हैं जहाँ पर फादर पीटर की बेटी को डेविल ने पजेस्ट किया हुआ था और अंदर जाने पर वो एविल ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो बहुत परेशान है लेकिन वो दोनों उसके जाल में नहीं फंसते हैं और अपना एग्जोसिस्म स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो डेविल गुस्से में आ जाता है और फादर माइकल पर अटैक करके उनके कान पर काट लेता है। तभी डॉक्टर नेल्सन उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं और यहाँ पर मगाली आ जाती है जो कि अपनी बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि फादर पीटर और फादर माइकल ने उस जेल में कैद सभी पजेस्ड लोगों को फ्री कर दिया है ताकि वो सबका एग्जोसिस्म एक साथ कर सके और हम लोग उन दोनों को एग्जोसिस्म की तैयारी करते हुए देखते हैं जहाँ पर फादर पीटर ये पूछते हैं कि हम लोग इतनी सारी इविल पावर को एक साथ कैसे हराएंगे। जहाँ पर फादर माइकल उन्हें बताते हैं कि अगर तुम ये सोचोगे कि गॉड तुम्हारे साथ में है तो तुम उन इविल को कभी नहीं हरा पाओगे। तुम्हें यहाँ पर ये सोचना है कि और कोई नहीं बल्कि तुम ही गॉड हो और ऐसा सोच के ही हम लोग उन इविल को हरा सकते हैं। फिर सारी तैयारियां करने के बाद में फादर पीटर बाकी सभी लोगों को उस जगह से जाने का बोलते हैं जहाँ पर मगाली फादर पीटर से कुछ भी करके उनकी डॉक्टर को बचाने के लिए बोलती है जिसके जवाब में वो कहते हैं कि वो अपनी जान दे देगा लेकिन उसे जरूर बचाएगा। और हम लोग फादर पीटर और फादर माइकल को जेल के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो अपना एग्जोसिस्म करने जा रहे थे और तभी वहाँ की लाइट्स अपने आप खराब हो जाती है और हम लोग डॉक्टर नेल्सन को देखते हैं जो कि बेहोशी वाले इंजेक्शन बना रहे थे। और दूसरी तरफ फादर पीटर और माइकल उस जेल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनकी डॉटर पजेस्ट थी लेकिन वहाँ उन्हें वो नहीं मिलती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। हम लोग डॉक्टर नेल्सन को देख पाते हैं जिनके सामने वही पजेस्ट लेडी थी जिसे बेहोश करने के लिए डॉक्टर नेल्सन आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी पीछे से दूसरी पजेस्ट लेडी आकर डॉक्टर नेल्सन पर अटैक कर देती है जिसकी आवाज़ सुनकर फादर पीटर और फादर माइकल भी वहाँ आ जाते हैं और वे लोग डॉक्टर नेल्सन की हेल्प कर पाते हैं। इससे पहले ही वहाँ पर बहुत सारी इविल एंटिटीज आ जाती है जो कि उन पर अटैक कर देती है लेकिन फादर माइकल अपना एग्जोसिस्म करके उन सभी पर अपना कंट्रोल पा लेते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फादर पीटर का एग्जोसिस्म काम नहीं कर रहा था जिसके कारण वो सारी इविल एंटिटीज इन दोनों पर हावी हो जाती है और तभी फादर पीटर की जान बचाने के लिए डॉक्टर नेल्सन एक एविल से फाइट करते हैं जहाँ पर वो एविल डॉक्टर नेल्सन को मार डालता है। फिर फादर पीटर और फादर माइकल अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागते भागते एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं
जिनके पीछे वो सारी एविल एंटिटीज भी आ जाती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगती है। और अंदर हम लोग फादर माइकल को फादर पीटर पर गुस्सा करते हुए देखते हैं, जहाँ पर फादर माइकल फादर पीटर से बोल रहे थे कि तुम्हारा एग्जोसिस्म काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि तुम्हें जरूर अपने पास्ट में। और इतना बोलते हुए फादर माइकल की वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर पीटर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और खुद को एक दूसरा रूम में लॉक कर लेता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फादर पीटर को अपने पास्ट से बहुत गिल्ट फील हो रहा था और इसी वजह से वो अपने फोन में अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये कन्फेस करते हुए कि आज से 18 साल पहले वो एक एविल एंटिटी से पजस्ट होने की वजह से न चाहते हुए भी मगाली के साथ में इंटीमेट हो गए थे। और फिर वो अपने पास्ट के कुछ अच्छी मेमोरीज को याद करते हुए उस वीडियो रिकॉर्डिंग को फादर बिशप को सेंड कर देते हैं। फिर फादर पीटर बाहर आते हुए अपने एग्जोसिस्म से उन सारे एविल्स पर काबू पाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जीसस के रूप में एक डेविल आ जाता है जो कि फादर पीटर के नाइटमेयर में आया करता था। और फादर पीटर उसे भी अपने एग्जोसिस्म से काबू कर लेते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक एविल एंटिटी आकर फादर पीटर को बेहोश कर देती है। अब अगले सीन में हम लोग फादर पीटर को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सारी एविल एंटिटीज फादर पीटर पर ही रिवर्स एग्जोसिस्म कर रही थी, यानी कि अब यहाँ पर शैतान का नहीं बल्कि भगवान का एग्जोसिस्म होने वाला था, जो कि इस मूवी का टाइटल है द एग्जोसिस्म ऑफ गॉड। वे सभी फादर पीटर का एग्जोसिस्म करके उसके अंदर से गॉड को निकालने की कोशिश करते हैं और उनकी बॉडी पर अपना कंट्रोल करने वाले थे। दूसरे सीन में हम लोग फादर पीटर के ऑर्फनेज को देखते हैं, जहाँ पर एविल एंटिटीज अपना कंट्रोल कर रही थी और ऑर्फनेज के सभी बच्चे एविल पावर से अफेक्ट हो रहे थे, कि तभी वो सारी इविल पावर फादर पीटर के ऊपर रिवर्स एग्जोसिस्म करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पीटर भी अपना एग्जोसिस्म कर रहे थे, जिससे कि उन इविल को भी तकलीफ होने लगी थी। और वो इविल और फादर पीटर दोनों के पावरफुल होने की वजह से किसी का भी एग्जोसिस्म काम नहीं कर रहा था। और अपना पूरा ट्राई करने के बाद में वो एविल एंटिटी जिसने फादर पीटर की डॉटर पर कंट्रोल किया हुआ था, वो उनसे एक डील ऑफर करती है, जिसमें वो फादर पीटर से बोलती है कि तुम अपने अंदर के भगवान को बाहर निकाल दो, जिसके बदले में मैं तुम्हारी बेटी की बॉडी को फ्री कर दूंगा और इसके साथ तुम्हारे ऑर्फनेज के सभी बच्चे भी नॉर्मल हो जाएंगे। और यहाँ पर फादर पीटर अपनी डॉटर और अपने ऑर्फनेज के अनाथ बच्चों को बचाने के लिए उस डेविल के ऑफर को मान लेते हैं, जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि फादर पीटर की बेटी की बॉडी से वो डेविल पावर चली गई है, जिसके बाद में वो अब नॉर्मल हो जाती है और ऑर्फनेज के सभी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। मूवी के एंड में फादर पीटर अपनी डॉटर को उस जेल से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर मगाली उन्हें देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग फादर पीटर को अपनी स्पीच देते हुए देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि फादर पीटर के एग्जोसिस्म के बाद में वहाँ के लोगों के मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई है। और फादर पीटर के इस एग्जोसिस्म की न्यूज टेलीविजन पर भी शो होती है। और यहाँ पर हम लोग फादर पीटर और मगाली के डॉक्टर को भी देख पाते हैं, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर फादर पीटर बिशप से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि आपने उस वीडियो की रिकॉर्डिंग का क्या किया है जो मैंने आपको सेंड की थी, जिसके जवाब में बिशप उन्हें बताता है कि 18 साल पहले तुमने जो कुछ भी किया था वो एक एविल एंटिटी से पजस्ट होने की वजह से किया था, जिसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और तुम तो एक बहुत ही अच्छा इंसान हो जिसके अंदर खुद भगवान का निवास है। और तभी हम लोग ये नोटिस करते हैं कि फादर पीटर पर उस डेविल ने अपना कंट्रोल कर लिया है। और फादर पीटर की आंखों को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। और अब आगे ये भी हो सकता है कि इन सभी एविल पावर ने हमारी दुनिया पर राज किया हो और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आज की हमारी मूवी में हम लोगों ने देखा कि एविल कितना पावरफुल होते हैं और वो किसी की भी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और अगर इन सारी एविल एंटिटीज को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम सब ऐसी एविल शक्तियों के वश में हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।